अयोध्या धाम प्रभु श्री राम जी की सुंदर नगरी, पवित्र धरती की माटी, श्री राम जी की जन्मभूमि सरजू नदी के किनारे इस वक्त भव्य और दिव्य दीप उत्सव की तैयारियां। आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कुशभानपुर जिला कूड़े भार, जहां आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा अवध नगरी में हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और 7 से 8 हजार अतिथिगण यहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं पर यहां पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर से आए हुए राम भक्त सभी लोग, कोई पैदल कोई जो है साइकिल से पदयात्रा करते हुए अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। अब अयोध्या प्रयागराज और अयोध्या के रूट पर आप या देख रहे हैं जहां कूड़े भार, वहां पर हर जगह जो है भंडारे का आयोजन है और जगह जगह पर जहां प्रभु श्री राम जी के भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, रुक कर रहे हैं और कहीं कहीं चाय पानी का भी व्यवस्था किया गया है। तो हर जगह इस वक्त प्रयागराज से लेकर और अयोध्या तक जाने वाले कहीं कहीं पर नाश्ते पानी और चाय और पूरी सब्जी और भंडारे का जो आयोजन चल रहा है, बहुत ही भीड़ भाड़ के साथ देखी जा रही है। तो जगह जगह भंडारा प्रसाद प्रभु श्री राम जी की यह महिमा है और आज राममय के साथ संपूर्ण भारतवर्ष हो गया है। वहीं पर विश्व में भी यह राममय की संदेश गूंज रही है। तो राममय के साथ साथ हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि जो भी हो, जो प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं और उन्हें जो है दिन रात चल रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अनेक ऐसे जो है राज्यों से आ रहे हैं अयोध्या धाम के लिए पग यात्रा करते हुए और साइकिल से यात्रा करते हुए, उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए और हो सके तो आप सभी लोग जो है भंडारे का आयोजन करें और भंडारे में उन सभी को अत्यधिक मात्रा में खिलाएं पिलाएं। यह है हम सभी का पुण्य प्रताप, जहां या हिंदू सनातन धर्म में हर चीज़ लिखा गया है कि आप जितने लोगों को आप प्रसाद देंगे उतना ही और बढ़ोतरी होगी, उतना ही आपका जो है सब चीज़ जो है, बहुत से लोग जो है भंडारा कर रहे हैं चंदा देकर और या चंदा से ही भंडारे का आयोजन किया जाता है। जैसा कि कोई भी कार्यक्रम हो, भक्ति, धार्मिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज जो हमारे देश की है, वह चंदे का ही सहारा से ही हम सभी लोग पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, भव्य आयोजन करते हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाज और अपने देश की कल्चर को बनाए रखने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 22 जनवरी 2024 को, यानी अब कल जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, सभी देशवासियों से खास अपील है कि आप सभी लोग 22 जनवरी 2024 को अपने घरों को रोशन करें, दीप उत्सव मनाएं और भजन कीर्तन के साथ साथ सभी जगमगाहट के साथ खुशबू संदेश हम सभी को अपने सभी भाई बंधु को इकट्ठा कर और कीर्तन भजन करें और एक दूसरे को भी बताएं। तो खास इस वक्त प्रभु श्री राम जी के भक्त आज जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार जो है कहीं रोड सड़क पर सभी भंडारे कर रहे हैं और भंडारे का आयोजन चल रहा है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र।
मार्ग और हर जगह विकास ही विकास देखने को मिल रही है। बस अड्डा नवीन अनेक तरह के सुख सुविधाएं देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर अब जो है VVIP होटल और अनेक ऐसे जो है कार्य देखी जा सकती है, जो सुख सुविधाएं जो है यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए भी है और जो है बाहर से आ रहे प्रभु श्री राम जी के भक्तों के लिए भी काफ़ी सुख सुविधाएँ देखने को मिल रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार 200 से अधिक यहाँ पर जो है बस और ई रिक्शा चलाने के लिए भी वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आप बसों का नज़ारा जहाँ पर आज सुबह। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रसन्नता महसूस करते हैं कि